नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सत्यम बुरिया बिस्तर पैक करके जा रहा होता है, तभी अंजलि पूछती है कहाँ जा रहे हो और ये सारा बैग लेकर कहाँ जा रहे हो, जिसके बाद वो रुक जाता है। अब भाई दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि वो यहाँ से सामान लेकर भाग रहा हो, दूसरी ये कि अब अपने आप को सही साबित करने के लिए कि अब तो भाई यहाँ पर मेरा कोई है ही नहीं, मैं छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि अब तो रेणु जी भी नहीं रही। तो इस तरीके से अंजलि की सिंपैथी लेने के लिए सत्यम ने ये प्लान किया हो। खैर, यहाँ पर अंजलि को तो वो कॉन्फिडेंस में ले चुका है, तभी तो देख लीजिए किस तरीके से अपने हाथ से अंजलि ने खाना भी खिलाया और यहाँ पर अपना हाथ भी काटता नज़र आ रहा था, जिसके बाद पूरी तरीके से अंजलि पिघल जाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो टारगेट करता है वो अंजलि को टारगेट करता है, यानी कि रेणु के बाद अब उसका अगला टारगेट होता है अंजलि का, ये बात तो पक्की हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तो फिलहाल जाने वाला कहीं नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता है सत्यम कि अब जो है वो वीरेंद्र को वो भेज चुका है जेल। तो ऐसे में अब तो जो सत्यम है उसको सारा रास्ता उसका क्लियर हो चुका है, तो अब वो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आने वाला है और वो सब कुछ जो है वो बुरिया बिस्तर लेकर वो फाइनली तभी जाएगा जब उसके हाथ मोटी रकम होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि सत्यम को अभी यहीं पर रहकर भुगतना होगा, क्योंकि उसके जो कर्मों की सज़ा है वो अभी पूर्वी उसे देने वाली है और फैंस को भी ये सब देखना काफ़ी अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर अभी तो रेणु की आत्मा भी उसे दिखाई देने वाली है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा डराएगी और फिर उसे हवेली छोड़कर जाने के लिए उसे मजबूर करेगी। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्वी जो है वो सत्यम की एक एक हरकतों पर निगाह रखने वाली है, वो जो कुछ भी करेगा उस सारी चीज़ों पर जो पूर्वी है उसकी निगाह होने वाली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूर्वी तह तक पहुँचती है और पूर्वी जिस चीज़ के भी पीछे पड़ती है वो उसका पता लगा कर ही रहती है। तो यहाँ पर भी वो उसका पता लगा कर ही रहेगी और अब देखना होगा कि कैसे वीरेंद्र के मुखौटे में पकड़ा जाएगा सत्यम और वो ये सब कुछ करेगी पूर्वी। फिलहाल देखना होगा कि अंजलि कैसे बचेगी सत्यम के टारगेट से। इस वीडियो में बस इतना ही।